हम आज है सैटरडे और आज भी क्लास है, मतलब प्लेसमेंट क्लास होती है मेरी। फर्स्ट ईयर वालों की तो नहीं होती है, सेकंड ईयर वालों की हिस्से से, मतलब सेकंड ईयर से चालू ही जाती है प्लेसमेंट क्लास। और धूप ना, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है अपने नेक्स्ट लेवल पे, बिल्कुल तेज। जैसे मैं कभी उठ ही नहीं पाता हूँ। 9 से 11 क्लास थी जो कि आज स्किप कर दी मैंने, और 1 से 3 मतलब 4 क्लास होती है सैटरडे को प्लेसमेंट की, तो मैं 1 से 3 लेने जा रहा हूँ। भाई क्लास तो हो गई ओवर, 3 बजे ही हो गई थी, बट अभी 4 बज रहे हैं। 1 घंटा फोटो सेशन में ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और अभी तो हॉस्टल जा रहा हूँ, उससे पहले लंच मैंने यार बहुत जल्दी जल्दी अटेंडेंस के चक्कर में खा ही नहीं पाया, तो यार प्रोटीन बार में आया, ये इधर है अभी, तो छाए में बैठा। कुछ खाने पीने का पैक करवाते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं हॉस्टल। ब्लॉग भी डालना है यार वहाँ जाके, जल्दी जल्दी एडिट कर। 4 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे की तो रहती है मेरी, सैटरडे संडे मंडे, बट सैटरडे को प्लेसमेंट क्लास होती है यार। छुट्टी वाले दिन क्या बताऊँ, गलती कर दी प्लेसमेंट। तुम बोल लो पहले, गलती कर दी प्लेसमेंट। नेक्स्ट सेमेस्टर से लेना चाहिए था, इस सेमेस्टर से प्लेसमेंट क्लासेस ले रहा हूँ। राम राम जी। मैं यहाँ 25 और मिड टर्म की लेके आ रहा हूँ, तो बीटेक का प्लेसमेंट यार अभी तो मिड टर्म बन के जाने वाली है वो वीडियो। इस बार तो बैग पक्का है हमारा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें A to Z सारे, मतलब अप्रोक्स सारे स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर, पूरा चारों तरफ से अंदर से घर घिरा हुआ है, मतलब स्विमिंग पूल, जिम वम सारी चीज़ें। भाई अभी इंस्टाग्राम रील्स जैसे ही फीड कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर रील्स मोदी जी के AI बन रही है, जो उनके साउंड की आवाज़ लगा दे रहे हैं गाने पे, और उनका वो है नहीं एक फॉरेन की, उससे वो दिखा दे रहे हैं। भाई मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम जल्दी बंद होने वाला है, ये सब चलता रहा मत करो यार। ये रहा BH5 और 6 हॉस्टल, मेरा तो 5 है ये वाला दिख रहा हो तो। और ये रहे हमारा ग्राउंड, इतना बड़ा है, पहले तो यही छोटा हुआ है, फिर ये देखो 2 बास्केटबॉल कोर्ट, उधर फुटबॉल, फिर वो एंड तक जो दिख रहा है, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बिल्डिंग, धूप पड़ रही है तो मस्त लग रही है एक नंबर। मेरे पीछे जो टंगस्टन लगे जैसे ये लगा हुआ है, तो इसमें ID कार्ड लगा के अपना फिंगरप्रिंट लगा के हाँ साबित करना होता है कि भाई इसी हॉस्टल का हूँ, दूसरे हॉस्टल का नहीं हूँ। फिलहाल ये 5 है और ये वाला 6 है, बीच में चैनल खींच रखा है छोड़े राव साहब के आफ्टर लॉन्ग टाइम। भाई पे कंप्लेन हो गई, भाई मुझे नहीं पता है मतलब किस चीज़ कैसी चीज़ पे कंप्लेन हुई। मम्मी की कंप्लेन है। अरे अरे नहीं, तूने बताया था शायद। अच्छा, वो हाँ वो वाली। अरे अबे बहुत फेमस चल रही है, जो भी लड़का मिल रहा है हर से नहीं दिखता उसका, ये हो गया वो सस्पेंशन हो गया क्यों। अबे किसी टीवी तोड़ दिया था हॉस्टल के लिफ्ट का। हाँ तोड़ दिया था या घुमा दिया था, टूटने बाद घुमा दिया, घुमा अबे घूम गया, मतलब उनको लगा तोड़ रहे। फाइन कितना लगा? 2000। और सस्पेंशन कितने दिन का? 2 दिन का। मत सोचना ये सब करने का है। अबे नहीं, दिक्कत क्या है ना, 2 दिन का सस्पेंशन सबको लग रहा है बहुत कम है, लेकिन जिसकी अटेंडेंस 40% उसको दो दिन के लिए क्या, एक लेक्चर के लिए ही बहुत कम है ना। ऐसे मुझे ही ले लो, 9 वाली क्लास नहीं लेता हूँ, पर जब बाद में देखता हूँ तो अटेंडेंस कहाँ 60 तक आ गई है ना ले लेके। रात में आ रहे थे कैंटीन से, मैं जा रहे थे तो मेरे साथ जूनियर लड़के भी लोग भी थे। माँ भाई से पूछ रहा हूँ क्या कीड़ा था जो कैमरे को तोड़ा या घुमाया जो भी करा। हमें तो जो है मेरे, मतलब कैंटीन से रात में 3 बजे कैंटीन आए थे हम लोगों ने, समोसा उनसे पैक कराए रात में, मतलब मूवी भी देख रहे थे और भी अपना भी सिस्टम था। तो जूनियर लोग ने मुझसे पूछा भैया अगर जो है कैमरा, हाँ 3 बजे अगर लिफ्ट फंस जाए तो क्या करेंगे, वार्डन तो नहीं रहते हैं। मैंने बोला एक कैमरा है इसको पकड़ना, इसमें चिल्लाना बचाओ 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 बचाओ। और तुमने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हाँ लाइव प्रैक्टिकल किया, फिर मैंने बताया कि इसका जो दरवाज़ा, इस पर लाते मारना, इसको पूरा हिलाने लगना, किसी तरह नीचे आनी चाहिए दरवाज़ा खोलने को। अब जो मतलब जूनियर को ये भी पता चल गया होगा कि हाँ भाई ये सब करने से फाइन लग जाता है। अरे साथ में जूनियर को हमको नहीं पकड़ पाया था क्योंकि मेरा जो उसमें ID कार्ड में फोटो है तब उसमें इंसान लगते थे ना, अब ये अब लग रहा है बिल्कुल सस्ता वाला कबीर सिंह। कबीर सिंह भूख लग रही है अभी भी यार, क्योंकि पूरे दिन तो खा नहीं पाओ, रात में ही टाइम मिलता है खाना खाने का। क्या हूँ दिन में 10 बार खा चुका है, अब कह रहा पहली बार खाने जा रहे हैं। अबे पूरे दिन जैसे सुबह नाश्ता देख कभी मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि उठ ही नहीं पाता हूँ। लंच जो है हाँ ठीक ठाक, 3 रोटी 4 रोटी, भाई जो खा मिलता है रात में ही खाओ। अपने लोगों की प्लेसमेंट तो लग जाएगी ना आराम से, हम लोग किस में? तो किसकी लगेगी साले? किस में किस में? स्टारबक्स में? स्टारबक्स में नहीं साले, स्टार कबाड़ी का CEO हो गया। कबाड़ी का? हाँ कबाड़ी का होता नहीं
भैया वाले तो उनके सीईओ बन गए हम। हां सीईओ अपनी ठिलिया चलेंगे। हां ये बिल्कुल बात सही कही। बूढ़े वाले हो गए, अपने ट्रैक्टर चलेंगे, ठीक है, केमिकल्स वाले अपने ओनर होंगे हर चीज के। सही है। प्रोटीन हाउस पनीर रैप पैक कराने। देखो पनीर रैप पैक करा लिया और हॉस्टल के नीचे चलते हैं, वहीं पर खाएंगे। क्या भाई नीचे चलते हैं, बाल बुल कटवा ले भाई, रात में अगर निकल गया कोई डर उड़ जाएगा। खाली देखो छोटे छोटे बच्चे नहीं है यूनिवर्सिटी में, खाली भयंकर रात उत में निकलता है, डर उड़ जाते भाग जाते। ये पनीर रैप मुझे एक नंबर लगता है। कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम। मतलब वर्थ है क्योंकि पनीर देखो पूरा भरा हुआ है आखिरी तक।